टेक्नो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम देखेंगे कि यूट्यूब के चैनल के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं उसकी एडिटिंग के लिए, उसमें वीडियो कैसे एडिट किया जा सकता है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो चलें वन बाय वन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू टिप टॉप टेक्नो। आज हम देखेंगे यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती है उनकी एडिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो चलो डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे गूगल में आ जाना है और गूगल में यहाँ पे लिखना है कि कैमटेशिया। स्टूडियो फ्री डाउनलोड फॉर पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे कैमटेशिया जो स्टूडियो, यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे फिर क्लिक कर लेना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल फॉर्म में मौजूद है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद आप लोग यहाँ पे डाउनलोडिंग में आ जाएं। प्रोग्राम्स में कैमटेशिया स्टूडियो 9 इस पर क्लिक करें और यहाँ पे कैमटेशिया पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल फॉर्मेट में पड़ी हुई है, तो बस आप लोग यहाँ से ये फाइल इंस्टॉल कर लें, आप लोगों का कैमटेशिया इंस्टॉल हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैमटेशिया को इस्तेमाल कैसे करें, उसमें एडिटिंग कैसे करें, उसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो स्क्रीन रिकॉर्डर किस तरह से इस्तेमाल करें। मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल फॉर्म में मौजूद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा। आप लोग इंस्टॉल यहाँ से कर लें और वीडियो एडिट कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि भाई किस तरह वीडियो एडिट कर सकते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट वीडियो में डाल सकते हैं, आप लोग किस तरीके से अपने इफ़ेक्टिव वीडियो बना सकते हैं। कोशिश करें यूट्यूब के लिए आप लोगों ने इफ़ेक्टिव वीडियो बनानी है और जो सबसे डिफरेंट हो। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने एक इफ़ेक्टिव वीडियो बनानी है, किस कौन कौन से इफ़ेक्ट्स डालने हैं, कर्सर इफ़ेक्ट्स हो गए, अच्छा कहाँ कहाँ पे अगर आप लोग से गलती हो जाए तो बिल्कुल ना डरिए, गलती होती है, हर किसी से होती है, तो वो गलतियाँ वहाँ से कट कर लेंगे और फिर वीडियो को दोबारा उधर से कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग कैमटेशिया स्टूडियो में अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि हमारा है फिल्मोरा कैसे डाउनलोड किया जाए। तो वही बात, यहाँ पे आ जाए और गूगल में आप लोग लिख ले फिल्मोरा फ्री डाउनलोड फॉर पीसी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों का जो फिल्मोरा है वो डाउनलोड हो जाएगा। चूँकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड फॉर्म में मौजूद है, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल डाउनलोड नहीं करूँगा। इसकी जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उधर से डायरेक्ट जाके लिंक एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वही डाउनलोड में डाउनलोड्स में प्रोग्राम्स में मेरे साथ यहाँ पे फिल्मोरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास चूँकि इंस्टॉल फॉर्म में मौजूद है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप लोग सिंपल इंस्टॉल कर लें, सिंपल प्रोसेस है, नेक्स्ट करते जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये दो सॉफ्टवेयर्स है जो बेसिकली मैं बजाते ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, इंतहाई
अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं और इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई हसीन सॉरी और इस्तेमाल और इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई आसान है। आप लोग दोनों ट्राई कर लें। मैं तो दोनों पे वीडियोस एडिट करता रहता हूँ, तो आप लोग दोनों इंस्टॉल कर लें और देख लें आप लोगों के लिए कौन सा इजी है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं समराइज़ कर लूँ आज की वीडियो कि आज की वीडियो में हमने तो आज की वीडियो में आप लोगों को समराइज़ कर लूँ आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे कैमटेशिया इंस्टॉल करें और कैसे फिल्मोरा इंस्टॉल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैमटेशिया में कैसे काम किया जा सकता है और फिल्मोरा में कैसे काम किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ तो आई होगी। काइंडली अगर उम्मीद है आप लोग